Hello student, this is your Deepak sir from MPPS Public School, Shyamnagar, Kanpur. I am your computer teacher and going to teach you today a topic called Python Part 4. So, अभी तक हमने Python में ये पढ़ा कि Python क्या है, उसको कैसे use किया जाता है, Python के कितने versions मौजूद हैं और साथ साथ में हमने जो है console पे ये भी देखा कि कैसे हम लोग Python को ऐसे calculator की तरह use कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो हमने जो है normal arithmetic operators देखे, but आज हम conclude करेंगे कि अगर हमारे पास string है तो हमें उसे कैसे प्रिंट कराना है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली चलें तो मान लीजिए हमको नॉर्मल से प्रिंट कराना है मेरा नाम देते दीपक। ओके, सो वी सिंपली राइट हेयर दीपक इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा। सो हेयर आई गॉट द आंसर, what is the input represent as it is in the output, but what we want to print a Deepak without the single inverted comma. So here we are write print. Okay, and when we give here again Deepak, so this becomes like this. अभी जो यहाँ पर मैंने दो आपको दिखाए कंसोल इनपुट आउटपुट करके, इसमें अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो जो ऊपर वाला है उसमें मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीपक लिखा जिसमें कि वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, बट जब मैंने प्रिंट दीपक लिखा तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव्ड हो गए। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मान लीजिए मेरे को कुछ ये प्रिंट कराना है दीपक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीपक्स लैपटॉप। ओके, और वी कैन से सिंपल राइट दीपक टैब एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट, लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट हेयर। सो हेयर आई गॉट द एरर। हमें यहाँ पे एरर क्यों मिली, हमें यहाँ पे एरर इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो दीपक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है एंड दीपक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है, उसके बाद हमने यहाँ पर एस पुट किया। जब हम टैब के पास जाते हैं तो टैब जो है हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद नहीं है, वो उससे बाहर मौजूद है, यानी कि दीपक ही यहाँ पे केवल एक स्ट्रिंग है जो कि वैलिड पॉइंट से मौजूद है, इसलिए हमको यहाँ पे एरर मिली। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा दीपक डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमने यहाँ पे लिख दिया दीपक्स और फिर हमने लिखा टैब। ओके, सो आफ्टर दिस वी गॉट दीपक टैब। ओके, सो अभी यहाँ पर हमको प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको इन्वर्टेड कॉमा दोनों इस्तेमाल करने पड़े, दैट इज़ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड द डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, यानी कि जो स्ट्रिंग का इन्वर्टेड कॉमा है वो जो है डिफरेंट होना चाहिए कि चाहिए अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमा से। ओके, so what if I want to print here print print Deepak's, okay, and here I got tab. Okay, so what is the error here? Here error is starting with the double inverted comma but ending with the single inverted comma and then again we are using the tab in the inverted commas, in the double inverted commas. So हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग string का जो है inverted comma उसको बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया दीपक। ठीक है, ओके, दीपक्स और फिर हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखा टैब एंड हेयर वी आर गोइंग टू क्लोज इट। सो व्हाट वी गॉट हेयर द डबल इन्वर्टेड कॉमा टैब रिटर्न इन द आउटपुट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, प्रिंट हेयर आई गोइंग टू दीपक। ओके, वी आर गोइंग टू पुट हेयर
Deepak. Comma s and tab. What if I deny this? We got the Deepak's tab answer. Okay, so let's see what happen if we want to write a number several times. That is, here I write my number Deepak plus Deepak. Okay, so what here I get my name written in the two times here. Okay, what happen if we are going to write Deepak 10 times? Okay, so here 10 into Deepak. Okay, so what we get the answer? Okay, we are going some of the error here, that is Deepak is not defined. Okay, so here I write Deepak inverted comma Deepak. Okay, so that's the error. ठीक है, तो हमें यहाँ पे दीपक जो है क्या है 10 टाइम देखने को मिल गया. ओके, ऊपर वाले में एरर इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया हुआ था. ओके, सो व्हाट हैपन इफ आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट सी कोलन, इफ आई एम गोइंग टू राइट डॉक्स एंड Naveen. Okay, so what here I got? Again I got the error because I don't write the program in the inverted comma. So basically, if I deal with the errors so that you can know how to write a correct program. Okay, that is Naveen. Okay, so okay again I got the error, so here I write C docs even. But what happened to the slash n here? Because slash n in any of the program goes to write it in next line. Okay, so what we are going to avoid this, so we write the raw string, that is R. Okay, colon inverted comma C colon DOCS and Naveen. Okay, so let's see what is the answer here. Naveen colon. Okay, I'll got the answer C doc Naveen. Okay, so this is it from today's class. These are the some of your errors and the string part of the program. Okay.